वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैकवर्ड दिल से स्वागत है। मेरे सामने वेरी हैंडसम देसी बंदा जो कि ऑस्ट्रेलिया में अपनी टैक्सी चला रहे हैं। ये मुझे ओला से है ना सर, क्यों उबेर से है? उबर से है। ये मुझे पिक करने के लिए मेरे होटल के बाहर आए हैं और ये आज आपके सामने कैमरे के आ रहे हैं। आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में उबर में कितना पैसा बनता है और आप लोग भी किस तरह इंडिया पाकिस्तान से आ सकते हैं और किस कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो गाइस आपने वीडियो को लाइक और कमेंट करना। ये पहला देसी बंदा है जो कैमरे के सामने आ रहा है और देखो अपना टाइम रोक कर किसी की हेल्प करना, ये कोई पंजाबी कर सकता और मैं खुद पंजाब से। चलिए वेलकम शो पर आपने वीडियो को लाइक कमेंट कर मेरे साथ इंग्लैंड जाना है, मेरे पास फ्री टिकट है और ऐसा ना हो कि गरीमा का बेटा पीछे। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट कर अपनी फ्री एंट्री यूके डालिए। चलिए वेलकम सर को शो पर। सर वेलकम टू माय शो। पहले बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? पहले वेलकम टू सर। हाँ जी थैंक यू। तो मैं सर इंडिया पंजाब फरीदकोट से हूँ। फरीदकोट से हैं ब्लॉगर। और आप ये ऑस्ट्रेलिया कितने साल हो गए आपको आए? मुझे 4 साल हो गए सर ऑस्ट्रेलिया। 4 साल ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। आप जब ऑस्ट्रेलिया में ये जो आप काम कर रहे हो उबर में काम कर रहे हो, हाँ जी, पहले बात करते उबर के बारे फिर डिस्कस करते आप भी यहाँ पर कैसे आए थे। उबर में आप मुझे एज ए कस्टमर पिक करने और आपकी सर्विस बहुत ही अच्छी है, मैं इस बात कहूंगा आपकी बात करना स्टाइल अच्छा है। तो बताइए कि उबर में रफली कितने पैसे बन जाते हैं, क्या उबर के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए जॉब करने के लिए, कि अनपढ़ आदमी भी उबर चला सकता है ऑस्ट्रेलिया में? इसके लिए सर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, मतलब भी नॉर्मल तो चाहिए, पर इसके लिए ऑस्ट्रेलिया का 1 साल का लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस शुरू में तो इंडिया का चल जाता है, इंटरनेशनल जैसे यूके में इंग्लैंड में 1 साल का चल जाता है। हाँ वो ऊपर ईट के लिए चलता है पर ऊपर एक्स के लिए नहीं चलता। ऊपर ईट के लिए अभी इन्होंने रिक्वायरमेंट की है तो अभी चल जाता है, पर पहले नहीं था। पहले तो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस पर ही मतलब बनता था। हाँ जी तो अभी ऊपर एट पर चल जाता है इंडिया। हाँ, ऊपर एट के लिए चलता है, ऊपर एक्स के लिए नहीं चलता। तो सर ने जैसा ही पॉइंट नोट सर ने कहा है कि आप इसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सर ने ये भी कहा है आपको बहुत ही क्लियरली कि इसके लिए आपको कोई इंग्लिश खास नहीं आ, बस हाय हेलो कस्टमर से करनी चाहिए। सर कितने पैसे रफली इंडियन रुपीज में बन जाते हैं एक महीने में, रफली मैक्सिमम मिनिमम दो हजार ओवर टाइम मिनिमम 2 से 2.5 लाख तो बन जाता है। बन जाता है और अगर ज्यादा हो तो अगर पीक। हाँ वो तो अपने पे डिपेंड है। हाँ वीकेंड, वो तो अपने पे डिपेंड है हम कितना टाइम काम करते हैं। तो 3 भी बन जाता है लेकिन 2.5 एवरेज बन जाता है। हाँ 2.5 तो एवरेज बन जाता है। जैसा साहिबा पॉइंट नोट किया, लड़का कह रहा देखो ये बाहर ऐसा नहीं फ्री में कमा रहा, देखो होटल में मुझे पिक करने के लिए मेरे उस होटल से आए हैं सर, 2 से 2.5 लाख ये ले जाते हैं अपने घर पर, डिपेंड करता है लेकिन 3-3.5 लाख बनता है। पर इंडियन टैक्सी अगर 2.5 से 3 लाख कहाँ बनता है। सर आप कितने घंटे दिन में काम करते हो? मैं दिन में 8 से 10 घंटे करते हो। सर 6 दिन करते हो, एक दिन छुट्टी रखते हो ना? हाँ जी 6 दिन करते। 6 दिन करते हो। हाँ सर आपने जब इसके लिए अप्लाई किया था आपने कहा था तो इजी प्रोसेस है उबेर के लिए, बस कार आपकी खुद की उनकी कंपनी देती है, कैसा है सिस्टम फिर बताएं? कार और लाइसेंस की लाइसेंस बताएं कार ये जो सर एकदम भी अपना कार रेंट पे भी ले सकते हैं जी। हां जी ते अपनी भी ले सकते हैं जी। अपनी अपनी कार रफली कितनी आ, जैसे आपकी कार काफी सुंदर है मैं ये इनको टॉप पे बहुत सुंदर कार स्क्रीन कितने की रफली आ जाती है ऑस्ट्रेलिया में सेकंड हैंड कार? जैसे ये टोयोटा कैमरी है ये 2021 की आ जाती है सर, और नॉर्मल मॉडल के हिसाब से है जितना लोन भी मिल जाते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है ना? हाँ लोन भी मिल जाता है। कितने रफली कितनी आई थी इंडियन रुपीस में? 12-13 लाख के भाई, ये बहुत बड़ी गाड़ी है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 12-13 लाख की आ जाती है आप देख सकते हैं, और सकते हैं लोन भी मिल जाती है। तो गाड़ी जो इसकी इंश्योरेंस है सर वो तो कोई बताता नहीं यूट्यूबर, वो भी आपको अपनी जेब से देने पड़ते ना पैसे ना? कितना कितना महीने का खर्चा इस गाड़ी का आता है, रोड टैक्स और पेट्रोल डालकर और इंश्योरेंस सब एक में बता दीजिए? मे बी इंडिया के हिसाब से तो लाख कम। हाँ, वो सभी खर्चा निकाल कर बच जाता है जो मैंने आपको बताया 2.5 लाख। अच्छा हाँ, तो 2.5 लाख खर्चा निकाल कर बनता है तो उसके ऊपर आप लगा से 50-60 हजार रुपया होगा जो पेट्रोल भी देना पड़ेगा नेचुरली, तो 2.5 लाख बन जाता है। सर ये तो आपने बहुत क्लियर, और सर ने कहा कि उबेर की वेबसाइट पर जाए ना अप्लाई ऑनलाइन कर, जैसे आपने भी ऑनलाइन किया सर विद इन 2-3 दिन में आप स्टार्ट कर सकते हो ना अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो? हाँ नो एक वीक तो लग जाता है, 1 वीक लग जाता है गाइस, 1 वीक लगता है। आप अप्लाई कीजिए इसकी वेबसाइट उबेर ऑस्ट्रेलिया में जाकर, 1 वीक लग जाता है। सर आप यहाँ पर किसके साथ रहते हैं और आपका खर्चा कितना है? अकेले रहते हैं कि दोस्तों? नहीं नहीं सर मैं स्पाउस के साथ आया सी सर। आपकी वाइफ? हाँ जी। आपकी वाइफ यहाँ पर क्या करती है अगर बुरा ना माने पूछ ले तो? सर वो चाइल्ड केयर में जॉब करती है। चाइल्ड केयर में जॉब करती है। तो आपकी वाइफ स्टडी वीजा पर आई थी? हाँ जी। तो इसका मतलब कि आपकी वाइफ को टीआर मिल गया? नहीं सर टीआर अभी अप्लाई करना है। तो आपका खर्चा घर का रेंट कितना है रफली ऑस्ट्रेलिया का रेंट सर कपल के लिए जे तो हम अपना हाउस लेते हैं तो उसका 700 है मिनिमम। अच्छा। 500 से 700 है। और जैसे कोई हम नाल शेयरिंग में किसी को साथ में रखते हैं तो कपल का 250 तो मिनिमम है। आपके कौन को रहते हैं आपके घर में इस टाइम? मेरे एक तो मेरी मतलब भी फ्रेंड ही है। अच्छा हाँ जी।
आप और आपकी फ्रेंड रहते हैं? हाँ जी, मेरा फ्रेंड है, वो रिलेटिव ही है मेरा इंडिया से। अच्छा, वो है। तो सर बिल्स वगैरह इंक्लूडेड है ना 700 डॉलर में ना? बिल्स वगैरह सारे इंक्लूडेड है 700 डॉलर? वो 700 घर का रेंट होता है, उसके बाद जो बिजली का बिल, वाटर बिल, सभी वाईफाई का बिल, वो सभी अलग से होते हैं। तो रफली 500 डॉलर में सारा आ जाता है? सिंगल आदमी का कम ही आएगा जो शेयरिंग में होगा। हां वो उसका तो, उसका तो कम आएगा सर, उन्ना ज्यादा कम ही होगा। तो आप खुश हो अपने डिसीजन से ऑस्ट्रेलिया से? बहुत खुश हूं सर। तो जो लड़के आपको एज ए रोल मॉडल मान रहे हैं, तो सर जो उबेर की जो सैलरी है वीकली आपके अकाउंट में आती है कि कैसे आती है? वीकली, वीकली सर। अपने पास जाती है अकाउंट? अपने अकाउंट। तो जो लड़के आपसे साथ ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज किया, उनको आना चाहिए या पैसा बन जाता है? देखो आप भी मेहनती लड़के। मेहनत सही तो सर, जो मेहनत करना चाहता है वो आवे। जिन्हें मेहनत नहीं करनी उन्हें तो इंडिया भी कुछ नहीं करना, इतने कुछ नहीं करना है। तो आप ये भी कह रहे हो कि मेरी कंपनी लोग ढूंढ रहे हो, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं जिसको ड्राइविंग स्कूल, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सर जो लाइसेंस आपने कन्वर्ट कर, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जो आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, वो इजी है? थ्योरी टेस्ट तो बहुत इजी है, मैंने पढ़ा था नेट पर, थ्योरी तो बहुत इजी है ना? हां थ्योरी है, पहले डीकेटी टेस्ट होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, बस दो ही टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल होता है, डीकेटी। तो गाइस डरिए मत, थ्योरी पेटेड टेस्ट बहुत इजी है। आप देखो सर कितने कंफर्टेबल ओवर हीट का कर रहे हैं, वो जिसके पास गाड़ी नहीं होती है ऑपरेट के लिए, वो आप पीछे दिखा सकते हैं, वो बाइक पे कर रहा है। अच्छा, वो पीछे भी लड़का बाइक पर कर, जिसका गाड़ी नहीं, देख लो ऊपर में बाइक पर भी काम कर सकते हैं। गाइस देखो सर ने कितनी अच्छी बात बताई, ये मेरा होटल है सर, मुझे पिक करने को, सर कितने फंकी, कितने गर्मी है, कितने सुंदर लग रहे हैं, लगा सर खुद हॉलीडे पर है। थैंक यू सर। चलो चले सर, चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। एंड गाइस आपने वीडियो को लाइक और कमेंट करना, और इसी तरह आपने भी ऑस्ट्रेलिया आकर अपने ग्रीम आवक सपने पूरे करने। थैंक यू वेरी मच सर, बाय बाय।